नमस्कार दोस्तों, आज इस ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस फिलिप्स सीरीज 3000 बियर्ड ट्रिमर को अनबॉक्स करेंगे। और इसे अनबॉक्स करने से पहले सर इसके कुछ डिटेल्स देखेंगे। यहाँ देखिए इसमें कुछ इसमें वेबसाइट का एक वेबसाइट दिया है और इसमें कुछ लिंक दिया है। चलिए इसे ओपन करते हैं। और जैसे ही इसे ओपन करते हैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कुछ इस रिसाइकिल के बारे में। और इस तरह यहाँ पे फिलिप्स का ब्रांडेड का इसमें सिंबल दिया है। ऐसे ओपन करते हैं इसमें सबसे पहले हमको चार्जर मिलता है। और अगला ये रहा ट्रिमर और ये एक छोटा सा ब्रश। और अगला एक छोटा सा फिलिप्स का एक पाउच दिया गया है, कैरी बैग। अगर जहाँ भी इस्तेमाल कहीं जा रहे हो तो इसे पाउच में डाल के ले जा सकते हैं। और इस बक्से में कुछ दिया है, इसमें कुछ मैनुअल बुक दिया है। और ये जो दिया है पेपर, इसमें इसके यूसेस के दिए हैं, इसमें कैसे यूज़ करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, कैसे इससे ट्रिम करेंगे। और ये रहा इसका वारंटी कार्ड, इसमें हर लैंग्वेज में दिया गया है, बस इंग्लिश इंडियन के हर लैंग्वेज में नहीं, बस वर्ल्ड के हर लैंग्वेज में। और ये रहा मैनुअल बुक। और ये तो वाकई बहुत बड़ा है, इसमें इंग्लिश ढूंढे तो चले छोड़े और इसे आगे बढ़ते हैं। ये तीन आइटम इस बॉक्स में हमको दिया रहेगा। सबसे पहले देखने से अगर इस चार्जर के डिटेल्स कहीं इसमें, चार्जर तो बहुत बड़ा क्वालिटी की है, फिलिप्स की ही है। और इसमें ये इनपुट दिया है 100 टू 240 वॉट्स का वोल्ट का दिया है। और आउटपुट दिया है इसमें 15 वोल्टेज। और इसमें कुछ खरीदेगा इसे पहले खरीदेगा बाद में इसे इसके बारे में ज़रा देख लीजिएगा आप। इसमें और उतना कुछ चार्जर में नहीं है। और जबकि आप ट्रिमर के यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक छोटी सी सील लगा है। और ये रहा ट्रिमर। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ये कौन से जगह में बना हुआ है। इसमें दिया है कि मेड इन इंडोनेशिया ये जो ट्रिमर वहाँ से बना है। और ये रहा इसका ब्लेड। इसमें दिया है कि यहाँ पे ओपन करो और जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो ये घूमेगा। और वाकई इस ब्लेड को जैसे ही आप इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल होने के बाद इसे ऐसे ही पकड़ कर निकाल कर इसे धोना चाहिए। और ये दिया गया है इसके मेजरमेंट, आपके बेड को कितना, अगर आपके डिपेंड करेगा आपके बेड या आपके स्टाइल में। अगर आपको बहुत कम कट करना है तो इसमें मेजरमेंट दिया है कि कितने 4 या 3, देखो यहाँ पे 4 दिया है तो 4.5, और यहाँ पे 5 है तो 5.5 है। यहाँ पे ये जो डॉट दिया है दोनों नंबर के बीच में, और 6 दिया है, 6 के यहाँ पे साइड में पॉइंट दिया है तो 6.5, 7 दिया है, 8, 9, 10, और इसमें फाइनल 10 तक दिया। और देखो इसके साइज़, जैसे कि इसे बढ़ाते जाए तो इसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है। और इसे जैसे ही कम करोगे तो ये भी घटेगा आराम से। और ये रहा इसका स्विच।
और इसका ये रहा चार्जर पॉइंट, इसको इस चार्जर से ऐसे कनेक्ट कर कर इसको ऐसे फ्लैग में लगा लेंगे, वैसे आप जानते हो। और जैसे आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि अभी चार्जर मतलब चार्जिंग हो रहा है। और इस ग्रीन लाइट यहाँ पे इसके बदले में ऑफ हो गया, अगर ये ग्रीन लाइट है इसका मतलब चार्जिंग हो रहा है, और ये ग्रीन लाइट बंद हो गया तो इसका मतलब चार्जिंग पूरा हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, मतलब पूरा हो गया, चार्ज फुल हो गया। और इस ट्रिमर के आप डिटेल्स कुछ, ये जो आपको दिख रहा है इसके ये सीरीज 3000 है, ये जो मॉडल है इस मॉडल का, ये जो अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में सर्च करोगे तो ये आराम से मिल जाएगा, फिलिप्स सीरीज 3000। और यहाँ पे कुछ जो कि मैंने इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, और इसमें कुछ डिटेल्स दिए हैं कहाँ से ट्रेडमार्क हुआ है, कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, सब कुछ इसमें इसमें दिया है कि कलकत्ता, सब कुछ इसमें मेंशन किया है। ओके दोस्तों, और यहीं पे हमारे वीडियो ख़त्म हो रहा है, उससे इस ट्रिमर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। और ख़त्म करने से पहले इसमें एक फ़ोटो, एक स्टिकर टाइप कुछ दिया है, इसमें धोना कैसे, ये जो आपको, ये जो मैंने आपको ब्लेड दिखाया है, इसमें यही दिया गया इस फोटो से कि इसको पानी से धो ले। और इसमें दिया है कि, और एक और एक और बात क्या है कि जो पानी यहाँ पे मशीन में, इस मशीन में जो दिख रहा है आपको, इस मशीन में डालकर धोना नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं गिरना चाहिए। उसके बदले में यहाँ पे ब्रश दिया गया है, ये रहा आपके, आप शेव करने के बाद इस ब्रश से इसको क्लीन कर देना, और इसको पानी से धोला के बाद इसमें सुखा कर, और इसमें भी अगर बाल है तो इसमें आप क्लीन कर सकते हो। अब बस दोस्तों, और हमारी वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।